बात करेंगे नैट्रम्यूर इग्निशिया की कंपैरेटिव स्टडी के बारे में। दोनों ही जो मेडिसिंस हैं हमारे प्रिस्क्रिप्शन के साथ काफ़ी यूज़फुल हैं, वेल नोन ड्रग्स हैं। हम अपने पेशेंट के साथ मैक्सिमम जाते हैं कि रेमेडी सामने आती है। सो, अगर हम देखें कि इग्निशिया और नैट्रम्यूर को डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे और कौन सी सिम्टम्स हैं जो सिमिलर जाते हैं और इसको कंपेरिजन करने में हमें हेल्प करते हैं। सो, अगर आप नैट्रम्यूर की बात करोगे, सबको ही पता है दिस आर रिजर्व काइंड ऑफ रेमेडी। एक ऐसी फीमेल या एक ऐसा मेल जो रिजर्व पर्सनैलिटी का है, जो लोगों से ज़्यादा मिंगल करना पसंद नहीं करता, वेरी मच इमोशनल, इजली हर्ट, इजली ऑफेंडेड, और लोगों से इंटरेक्ट क्यों नहीं करना चाहता है? बिकॉज ऑफ फियर कि कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊँ, कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊँ। इन केस ऑफ इग्निशिया, शी इज़ ऑल्सो वेरी मच यील्डिंग, वेरी मच केयरिंग, केयरफुल, रिजर्व डिस्प्लेजर। वो वहाँ पर चीज़ें शेयर नहीं करती लोगों से, अपनी चीज़ें जल्दी से नहीं बता पाती, क्योंकि सेंसिटिव ज़्यादा है, सेंसिटिव, एंड देर इज़ ईजी टू परसीव थिंग्स। चीज़ों को जल्दी से वो ग्रैप्स कर लेती है, तो उसे मान अपमान का भी बहुत लगता है कि ऐसा ना हो कि लोग मेरे साथ मिसबिहेवियर करें या पता नहीं किस तरह से बिहेव करेंगे। नैट्रम्यूर को क्या लगता है, वो ईजिली हर्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर क्विक टू परसीव। इग्निशिया इस तरह से लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर्स को देख करके समझ जाता है कि ये जो पर्सन है या जो रिलेशन है, ये मेरे साथ फेयर है या अनफेयर है, और उस लेवल पे वो अपनी चीज़ें शेयर ही नहीं कर पाता है, चीज़ों को अंदर रखता है। मूडी पर्सनैलिटी है, साथ ही साथ ईल्डिंग और माइल्ड पर्सनैलिटी है, तो वो अपनी बातों को अंदर ही रखता, शेयर नहीं करता। नैट्रम्यूर क्या होता है कि वो आउटबर्स्ट करता है जब भी उसका उसके अगेंस्ट में कोई बात होती है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन आता है, ही और शी ऑलवेज आउटबस्ट। वो अपने इमोशंस को बहुत खुले तरीके से एक्सट्रोवर्ट होकर ओपन अप करते हैं, और दे आर वेरी हार्ड टू प्लीज़। उन्हें फिर प्लीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दे आर इमोशनल, दे आर केयरिंग, बहुत हार्ड पर्सनैलिटी। उनसे जब आप बात करोगे ना, नैट्रम्यूर से अगर हम बात करते हैं, बेसिकली जब हम बात करते हैं, दे आर वेरी रूड टू आंसर। जब भी आंसर करेंगे बहुत रूडली करेंगे, प्यार भी दिखाएंगे, तो एक गुस्से का जो प्यार होता है, अरे तुम्हें तो आता नहीं है, लाओ हम कर देते हैं, तो इस तरीके से। इग्निशिया इज़ वेरी माइल्ड, जेंटल, लाइक पल्सेटेला। वो चीज़ों को बहुत प्यार से हैंडल करेगी, ऐसे रिलेशन को या ऐसे लोगों को भी वो प्यार से हैंडल करेगी, पीपल हु आर रूड टू देम, है ना। इस तरह से ये मेडिसिन डेवलप करती है। नैट्रम्यूर के नेक्स्ट कंपेरेटिव स्टडी की बात करें तो सेंसिटिविटी आपको यहाँ पर किसकी मिलती है, वेदर की सेंसिटिविटी मिलती है। चेंज ऑफ वेदर में, कोल्ड को लेकर के ये जो रेमेडी है सेंसिटिव है। सॉल्ट सेंसिटिवनेस ज़्यादा है, जिन लोगों में इनटेक सॉल्ट का ज़्यादा है, वहाँ पे आपको इस रेमेडी के सारे सिम्टम्स मिल जाएंगे। सो बेसिकली आपको यहाँ पे हार्ट के सिम्टम मिलेंगे, पाल्पिटेशन, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, जो सोडियम है ज़्यादा है, तो पाल्पिटेशन। इमोशनल लेवल पर अगर आप देखो, जहाँ पे एंजाइटी या डिप्रेशन होते हैं, तो नैट्रम्यूर की जो पेशेंट होती है, वो बेसिकली वो रात के 10 बजे, जैसे ही रात का 10 बजेगा, उसे चेस्ट में पाल्पिटेशन शुरू हो जाएगा, एंड जैसे ही वो वॉक करने लग जाएगा, उसे रिलीफ लगेगा। सो इन पाल्पिटेशन इन बेड, स्पेशली एट 10 AM, ये आपको देखने मिलेगा। इग्निशिया के इमोशंस किस तरह से बाहर आते हैं, वो इतना जो पेशेंट है जिसने अपनी चीज़ों को अंदर रख रखा है, और इतना इमोशनली, इतना टची पेशेंट है कि जब भी वो किसी से बिछड़ता है, या फिर कोई लव्ड वन जिनसे वो दूर जाता है, या कई बार वो अपने इमोशंस शो नहीं कर पाता, वहाँ पे हिस्टेरिकल कंडीशन आपको देखने मिलती है। ग्रेट हिस्टेरिकल रेमेडी ऑल्सो, इग्निशिया इज़ अ हिस्टेरिकल रेमेडी। तो वहाँ पे हिस्टेरिकल कंडीशन देखने मिलेगी, जहाँ पे पेशेंट एक्सेसिव एंजाइटी में चला जाएगा, अपने आप को एक ऐसे फेज में लेकर के चला जाएगा जहाँ पे वो कॉन्शियस ही नहीं है, जहाँ पे उसे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, इतना एक्सेसिवली रोना, वीपिंग कंडीशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। दोनों ही रेमेडी की अगर वीपिंग की बात करें, तो नैट्रम्यूर इजी टू वीप, वो जल्दी से रोने लग जाता है, और रोने से उसे रिलीफ मिलता है, एंड ऑलवेज वॉन्ट टू वीप वैन अलोन, अकेले रहने में उसे रोने में रिलीफ मिलता है। दिस इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नैट्रम्यूर। इग्निशिया का वीपिंग कैसा है, वो फ्रिक्वेंट वीपिंग नहीं है उसका, उसका वीपिंग उसकी आंखों में आपको दिख जाएगा, आंसू आ गए, देर आर टीयरी आइज, बट नो टीयर इज इग्निशिया। रोना तो चाह रही है, हर बात पे रोना आ रहा, वीपिंग बिकॉज शी इज़ वेरी मच इमोशनल, बट वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस आउट नहीं कर पाते। नैट्रम्यूर अपने इमोशंस को कॉन्ट्राडिक्शन जैसे ही होता है, वो एक्सप्रेस आउट करते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होगा, इग्निशिया में वो सप्रेशन में चले जाएंगे, उसके इमोशंस सप्रेशन में चले जाते हैं, उसका ग्रीफ, उसका एंगर, उसके इमोशंस सारे सप्रेशन में चले जाते हैं। बट जब नैट्रम्यूर की बात करते हैं, तो यहाँ पे आउटबर्स्ट आपको देखने मिलेगा। इस तरह की जब कंडीशंस मिलती है, इन दोनों ही रेमेडी को हम कंपेयर करके स्टडी
रेमेडी कर सकते हैं। दोनों ही रेमेडी हार्ट पे अच्छा एक्शन करती हैं, जीआईटी सिस्टम पे अच्छा एक्ट करती हैं। बेसिकली अगर निग्निशा की आप बात करो तो एंजाइटी ऑफ स्टमक, ये रीज़न जो है एपिगैस्ट्रिक रीज़न है, यहाँ पे पेशेंट को एंजाइटी फील होती है। एंजाइटी बेसिकली कैसी होती है, मूड की एंजाइटी होती है ना, कह रही भाई मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है। इसकी जो घबराहट बेचैनी है, एंजाइटी है इग्निशिया की, वो कहाँ पे, स्टमक रीज़न पे एंड एपिगैस्ट्रिक रीज़न में। डॉक्टर साहब मुझे पेट में ऐसा कुछ घबराहट सी लगती है, बेचैनी सी लगती है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, एंड साथ में नौशिया इरिटेशंस होते हैं। नेट्रामयूर का कैसा है, वहाँ पे आपको गैस्ट्रिक अपसेट्स मिलेंगे, कॉन्स्टिपेशन मिल जाएगा, फ्लैचुलेंस मिल जाएगा, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग एंड 10 to 11 AM पे मिलेगा, फास्टिंग, एंगर, हंगरनेस, ये सारी चीज़ें आपको इस टाइम पे मिलेंगी, एंड एग्रावेशन भी होगा। कॉन्स्टिपेशन की जो ड्राइनेस है, ड्राई जो कॉन्स्टिपेशन है, जहाँ पे ड्राई स्टूल रहता है, हार्ड स्टूल रहता है लाइक ब्रायनिया, आपको नेट्रामयूर के साथ अगर टोटैलिटी मैच कर रही है तो आप इस रेमेडी के थ्रू जा सकते हैं। सो दीज आर फ्यू स्टडीज़, फ्यू सिम्टम्स जो आपको कंपेरेटिव स्टडी में काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं। और हर रेमेडी को हम अगर इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी एविडेंट कि हम सिमिलर ड्रग के पास पहुंच जाते हैं और सही रेमेडी फाइंड आउट कर पाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरे वीडियोज़ आप सभी को पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताएं, मेरे वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।